राइट नाउ वी आर एट रेवडंडा फोर्ट। Everybody, welcome back to the channel, guys. Hope you guys are perfectly all right. So guys, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, मतलब कि आप निकल रहे हो सुबह शूट के लिए एंड अपने अपनी बैटरी कल रात को शाम में चार्ज पे लगा दी हो एंड नेक्स्ट डे आप उठते हो एंड अब सिर्फ कैमरा लेके निकलते हो, बैटरी को चेक नहीं करते एंड आप निकलते हो शूट के लिए एंड आप जैसे भी शूट चालू करते हो आपको समझ में आता है बैटरी इसके अंदर नहीं है। सो कैसी फीलिंग होगी वो, तो कुछ मेरे साथ भी हुआ था इस व्लॉग को लेके। मैंने क्या किया था, मैंने रात में अपनी बैटरी चार्ज को लगाई दी थी एंड चार्ज होके मैंने साइड में रख दी थी वो बैटरी। सिर्फ सुबह उठा मैं एंड कैमरा लेके जाने वाला था एंड मैंने चेक किया, मतलब कि देख रहा था कि मतलब इतना लाइट क्यों लग रहा है मेरा। फिर मैंने देखा कि बैटरी नहीं है, सो फटाक से मैं घर पे गया एंड बैटरी ली एंड फिर ये ब्लॉग शूट हो पाया, नहीं तो ये ब्लॉग बिल्कुल शूट नहीं हो पाता। सो गाइस लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा रेवडंडा फोर्ट एंड उसके बाजू में ये रेवडंडा बीच। सो रेवडंडा फोर्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस बोल सकते हो, इज़ अ पीसफुल प्लेस एंड बहुत शांति है वहाँ पे, बहुत ही अच्छी प्लेस है। एज़ कम्पेयर टू मुरूर जंजीरा इट इज़ अ बेस्ट प्लेस, बेस्ट फोर्ट। गाइज वहाँ पे चल रही थी वीडियो शूट, एज अ सीरियल की वीडियो शूट चल रही थी और फिल्म की शूट चल रही थी वहाँ पे। सो वहाँ पे कोई देख रहा हो तो प्लीज़ जस्ट टू कमेंट और बिलो कि कौन सी शूट चल रही थी। सो गाइज लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग, सो लेट्स बिगिन विद आवर जर्नी। ओके सो गाइज हमारे घर से 32 किलोमीटर है रेवडंडा फोर्ट एंड अगर आप पनवेल से आ रहे हो तो 78 किलोमीटर है एंड अगर आप मुंबई से हो तो 112 किलोमीटर है रेवडंडा फोर्ट। सो अभी गाइज हम चढ़ने वाले खंडाला के घाट्स, लोनावाला वाले नहीं, ये अलीबाग वाले हैं। ओके सो गाइज अभी हम आगे पहुँचे थे अलीबाग एंड यहाँ पे लगते दो रोड्स। सो अगर आप सीधा जाओगे तो अलीबाग सिटी में एंटर होगे एंड यहाँ से आपने लेफ्ट लिया तो रेवडंडा मुरूड रोड लगता है, तो हमने यहाँ से लिया लेफ्ट। सो गाइस यहाँ पर फिर लगते हैं दो रोड्स, सो अगर आप सीधा जाओगे तो रोहा चले जाओगे एंड यहाँ से राइट लोगे तो रेवडंडा काशिद एंड मुरू रोड लगता है। सो हमने यहाँ से लिया राइट टर्न एंड यहाँ पे इंडिकेट भी किया हुआ है। सो गाइस आके पहुँचे थे अक्षी नागाव एंड यहाँ पे है छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू। सो यही से एंटर होते हैं नागाव बीच के लिए, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द नाइस बीच एंड यहाँ पे बहुत सारे लॉजेस है। सो कोई आ रहा हो तो यहाँ भी स्टे कर सकते हो, बहुत ही अच्छी जगह है।
ओके सो गाइज, हम थे अभी रेवडंडा के ठीक पीछे एंड इस मंदिर में चल रही थी शूटिंग। आज सीरियल की शूट चल रही थी और फिल्म की शूट चल रही थी। सो वहाँ से कोई देख रहा हो तो जस्ट डू कमेंट ऑन बिलो कि कौन सी शूट चल रही थी वहाँ पे। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप व्यू देख लो यहाँ का। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। हम हैं अभी रेवडंडा बीच एंड बाजू में ही है रेवडंडा फोर्ट। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा फोटो क्लिक करेंगे एंड फिर यहाँ से निकलेंगे। ओके सो गाइस, इस बीच के अपोजिट साइड में है काशिद बीच। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो गाइस, मिलते हैं किसी और किसी ब्लॉग में और किसी वीडियो में। अभी के लिए बाय 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 बाय।